स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स टीचर। तो आज की क्लास में हम करेंगे फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2B के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है एप्पल आर सोल्ड एट 48 4/5 पर केजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 3/4 केजी पर ऑफ एप्पल्स। आपको क्वेश्चन में सिंपल बोला है 1 केजी एप्पल की वैल्यू आपको दी है 48 4/5 ठीक है, पर केजी की। जब भी आपको 1 की वैल्यू दी हो और ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपको वैल्यू दी है कितने की, पर केजी की। 1 केजी एप्पल्स की कॉस्ट क्या दी है आपको, 48 4/5। आपको निकालने कितने की है, आपको 3 3/4 केजी एप्पल्स की वैल्यू निकालनी है। कितने की, 3 3/4 केजी एप्पल्स की क्या करनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3/4 मल्टीप्लाई बाय 48 4/5। तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बिकॉज ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 4 3 12 12 और 3 16 सॉरी 15 15 बाय 4। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 244। 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया आया आपको 240 एंड 240 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 244 244 बाय 5। अब हमें चेक करना है क्या किसी से कैंसिल हो रहा है, 5 और 15 कैंसिल हो रहे हैं कैसे, 5 1 5 5 3 15 एंड द नेक्स्ट 4 और 244 भी कैंसिल हो रहे हैं कैसे, 4 1 4 4 6 24 क्या बचा, 4 देन 4 1 4 तो कितना हो जाएगा ये 61 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास यही बचा है। और जब भी आपका डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो उसको हम आपके आंसर्स में नहीं लिखते, बट आपका न्यूमिनेटर में 1 बचता है तो उसको हम शो करते हैं। तो हो जाएगा आपका ये 183 रुपीज। इट मीन्स 3 3/4 केजी एप्पल्स की वैल्यू कितनी है, 183 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट 42 1/2 पर मीटर, कि इफ 1 मीटर जो क्लॉथ है वो सोल्ड हुआ है 42 1/2। इन सिंपल एंड इन शॉर्ट कि 1 मीटर जो आपके क्लॉथ की वैल्यू कितनी है, 42 1/2। आपको बोला है 5 3/5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या होगी, इट मीन्स कॉस्ट क्या होगी, आपको कॉस्ट निकालनी है। आपको पर मीटर की कॉस्ट दी है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी दी है आपको, 42 1/2। आपको निकालने कितने की है, 5 3/5 मीटर की। क्या हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई, 5 3/5 into 42 1/2। तो अभी मिक्स फ्रैक्शन में इसको लाइक में चेंज करेंगे, 5 5 25 25 3 28 28 5 into 42 को 2 से 2 2 4 2 4 8 कितना हो गया 84 84 और 1 85 बाय 2। अब 2 और 28 कैंसिल हो रहे हैं कैसे, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 ठीक है, एंड 5 और 85 भी कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 5 5 1 5 8 में से 5 गया बचा 3 3 5 35। 5 के टर्म में 35 आता है 7 टाइम्स में। हम क्या करेंगे 14 एंड 17 को मल्टीप्लाई, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 238 रुपीज। इट मीन्स 5 3/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 238 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 2/3 किलोमीटर पर आवर ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। आपको बोला है एक कार है जो एक अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस कवर करती है 66 2/3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स एक घंटे में 66 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती है। इन शॉर्ट कि एक कार एक घंटे में 66 2/3 डिस्टेंस कवर करती है ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कि 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कि 9 घंटे में वो कितने रास्ते को कंप्लीट कर लेगी। आपसे ये पूछा है क्या लिखेंगे, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो कार,
2/3 किलोमीटर, ठीक है, कितने में? 1 आवर में। आपसे बोला है 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिंपल हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, पहले 66 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 198। 198 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो ये हो जाएगा 9 × 200/3। अब किसी भी होल नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं, कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, कितने में, 9 आवर में। कि 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 600 किलोमीटर, क्लियर है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 1/3 होल्स 12 × 3/4 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सस्टेन्स होल्ड। कि एक टिन ऑयल का, एक टिन 12 × 3/4 लीटर ऑयल को होल्ड कर सकता है, ठीक है, उतनी अमाउंट उसके अंदर आ सकती है। आपको बोला है 26 टिन्स में कितने ऑयल आ सकता है या कितना ऑयल वो होल्ड कर सकता है। आपको बोला है 1 टिन कितना ऑयल होल्ड कर सकता है, 12 × 3/4 लीटर, ठीक है। आपसे बोला है 26 सच टिन कितना ऑयल होल्ड कर सकेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 26 × 12 × 3/4, क्योंकि जब भी सिंगल की वैल्यू दी हो और ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, होल नंबर है तो नीचे 1 मानेंगे, 26 × 1 × 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 48 × 3 = 51, 51/4। अब हम चेक करेंगे किससे कैंसिल हो रहा है, अब 426 को कैंसिल नहीं कर सकता ना, 451 को कैंसिल कर सकता है। तो हम कुछ और देखेंगे, 26 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है एंड 4 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, कैसे, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 13 और 51 को मल्टीप्लाई करके आएगा 666/3, ठीक है, और 663/2, सॉरी हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि जब भी आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमिनेटर बड़ा होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करेंगे, 663 को 2 से डिवाइड, 2 × 3 = 6 कैंसिल, 2 × 3 = 6 कैंसिल एंड 2 × 1 = 2, कितना बचा, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 1, 1/2, क्लियर है तक, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं आपका 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है, फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट 35 × 1/2 रुपीज, इफ 3308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। आपको बोला है एक सर्कस ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड के क्या है, आपके शो हो रहे हैं, तो एक सिंगल एक पर्टिकुलर शो की जो टिकट है उसका अमाउंट है 35 × 1/2 रुपीज। आपको बोला है उस सर्कस में टोटल 308 टिकट सोल्ड हुई हैं, कितने 308 टिकट सोल्ड हुई हैं। तो हमसे तो पूछा गया है कि उन 308 टिकट को सोल्ड करके उन्हें कितना अमाउंट मिला है, टोटल कितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया है। सिंपल आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है एक सिंगल टिकट की वैल्यू है 35 × 1/2 रुपीज, तो 308 टिकट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि ईच टिकट कॉस्ट कितनी है 35 × 1/2 रुपीज। अब आपको बोला है कि 308 टिकट की कॉस्ट क्या होगी, 308 टिकट की कॉस्ट क्या होगी, सिंपल मल्टीप्लाई 1/2, देन 308 मल्टीप्लाई 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 by 2। होल नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1। अब 308 किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 से, कैसे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, 1 × 0 = 10, 2 × 5 = 10, हमारे पास बचा 8, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, क्या आया हमारे पास 154 × 71, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा
कि आपकी 308 टिकट्स को सोल्ड करने के बाद जो टोटल अमाउंट मिला है वो मिला है 1934। अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है 9 बोर्ड्स आर स्टेक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 2x3 सेंटीमीटर, हाउ हाई इज द स्टेक। कि 9 बोर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करा है हमने किस टाइप से, ऐसे, एक बोर्ड ऐसे, एक बोर्ड ऐसे, ऐसे, इस तरीके से हमने 9 बोर्ड को क्या करा है, एक साथ स्टेक किया है, मीन्स एक साथ इकट्ठा करा है, ठीक है, एक के ऊपर एक। आपसे बोला है कि एक सिंगल बोर्ड की जो हाइट है, जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो कितनी है, 3 2x3। इट मीन्स यहाँ से आता है कि कितना है, 3 2x3 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल बोर्ड कितने हैं हमारे पास, 9 बोर्ड है, जिसमें से एक सिंगल बोर्ड की जो थिकनेस है वो इतनी है। हमसे बोला है हाउ हाई इज द स्टेक, कि टोटल ये कितना ऊंचा होगा, इसकी हाइट टोटल कितनी होगी, हमें टोटल हाइट निकालनी है। अगर एक बोर्ड की हाइट इतनी है तो 9 बोर्ड्स की कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी टाइप के अगर ये 9 बोर्ड्स की सबकी सेम है, सबको अगर हम ऐड भी कर देंगे तो भी सेम आएगा, तो हम उन सबको एक साथ ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में मल्टीप्लाई। तो अगर इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल थिकनेस आ जाएगी, कैसे, थिकनेस ऑफ वन बोर्ड, एक बोर्ड की थिकनेस कितनी है, 3 2x3 सेंटीमीटर। आपको कितने की निकालनी है, 9 बोर्ड की, तो 9 × 3 2x3 कितना हो जाएगा, 9 × 1 × 3 3 9 9 और 2 11, 11x3। अब 9 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, कैसे, 3 1 3 3 3 9, और 11 और 3 को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। इट मीन्स टोटल जो हाइट हो जाएगी सबको स्टेक करने के बाद वो कितने हो जाएगी, 33 सेंटीमीटर। क्लियर सबको यहाँ तक। अब करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है रोहित टेक्स 495 मिनट्स टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। कि एक पार्क है, रोहित एक पार्क है, एक सिंगल चक्कर लगाता है तो उसको टाइम लगता है 4x5 मिनट्स। वहीं आपको बोला है अगर 15 राउंड्स लगाया तो उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपल कि 1 राउंड में उसको टाइम लगा 4x5 मिनट्स, ठीक है। आपको बोला है 15 राउंड्स में उसको कितना टाइम लगेगा, 4x5। हम क्या करेंगे, होल नंबर के नीचे 1 एंड मिक्स फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करेंगे, कैसे, 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 24 बाय 5, 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, तो 24 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6 और 1 = 7 मिनट्स, 72 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हमें टाइम में बताना है कंप्लीट, ठीक है, ये तो हो गया टोटल, कैसे निकालेंगे, 72 में से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, 60, ठीक है, ये क्या है, मिनट। अब 72 में अगर 60 माइनस होगा तो वहीं आगे क्या होगा, 1 आवर ऐड होगा, ठीक है। जब भी हमें ऐसे टोटल में मिनट्स दिए होते हैं उनको हमें आवर्स में चेंज करना होता है, तो जितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही हमें आगे ऐड करना होगा। अगर हमने 72 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया है तो 60 ही आगे क्या हो जाएगा, ऐड, और 60 मिनट का क्या होता है, 1 आवर, तो हमने 1 आवर क्या कर दिया आगे, यहाँ पे 1 आवर क्या कर दिया हमने, ऐड, अभी कितना हो जाएगा, 12 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 1 आवर। इट मीन्स टोटल टाइम से कितना लगा, 15 राउंड्स में 1 आवर एंड 12 मिनट्स, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।